जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो हम डिकोड करने वाले हैं नंदी नारी का चार्ट नंबर 45। इस चार्ट में ना केवल पिछले कई चार्ट्स में शेयर किए गए एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रों का रिपीटेशन होगा, बल्कि इस चार्ट में आप एक और नया सूत्र जानेंगे, जिसमें कि आप जानेंगे कि कब किसी व्यक्ति के किसी वीडो लेडी से रिलेशंस बनते हैं या उसकी किसी वीडो लेडी से शादी होने के चांसेस होते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है और फिर उसको डिकोड करते हैं। यहां लिखा गया है ये नेटिव एक सिंपल टाइप का होगा और एक मीडियम एजुकेशन को प्राप्त करेगा। एजुकेशन के लिए मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि बुध आपके एजुकेशन का कारक है और बुध पर आने वाले प्रभाव भी आपको बताएंगे कि आपकी एजुकेशन कैसी होगी। अगर बुध पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आती हैं तो किसी पर्सन का इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत अच्छा होगा और उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। आप देखेंगे इस चार्ट में बुध कर्क राशि में बैठा है, बुध पर डायरेक्ट ना शुक्र का प्रभाव आ रहा है ना ही गुरु का प्रभाव आ रहा है। गुरु का प्रभाव अगर आ भी रहा है तो गुरु के वक्री होने से आ रहा है, जो कि 50% तक है। साथ ही साथ आप देखेंगे बुध के त्रिकोण में बैठा है मंगल, और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में बुध के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है और उस पर मंगल की अगर एस्पेक्ट आ जाती है तो वहां पर उसका एजुकेशनल करियर बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं हो पाता, एक बहुत हायर एजुकेशन ऐसा पर्सन नहीं ले पाता, जिस वजह से इस चार्ट में बताया गया कि इस नेटिव के पास एक मीडियम एजुकेशन होगी, क्योंकि बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है और गुरु या शुक्र की डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं है। बुध से 12 भाव में शुक्र जा चुका है और अष्टम भाव में गुरु है। आगे लिखा गया है इस नेटिव के पिता के पास अच्छी खासी एक लैंडेड प्रॉपर्टी होगी, खेती की जमीन होगी। उसका रीजन क्या है, आप देखेंगे सूर्य आपके पिता का कारक ग्रह है, सूर्य यहां कर्क राशि में बैठा है, कर्क राशि शो करती है जलीय स्थान को और वहां पर बैठा है बुध। बुध शो करता है कॉमर्शियल लैंड और ग्रीनरी लैंड को। जब भी आप देखेंगे कि किसी पर्सन के फादर का यानी सूर्य का बुध और मंगल से संबंध बनता है और स्पेशली वाटरी साइन में बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के फादर, ऐसे लोगों के पिता एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी आइटम में इंटरेस्टेड होते हैं या वहां से उनकी इनकम आती है। ये देशकाल परिस्थिति के हिसाब से भी होता है, क्योंकि ये चार्ट है 1926 का, उस समय मोस्टली लोगों का सोर्स ऑफ इनकम लैंडेड प्रॉपर्टी थी, तो वो भी एक रीजन है जो कि हम यहां पर इस चीज को कह रहे हैं। अगर आज के समय में ये चार्ट होता तो हम यहां पर इस पर्सन के फादर का कोई प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर आइटम की सेल से जोड़ सकते थे या फिर एग्रीकल्चर आइटम की मैन्युफैक्चरिंग से भी जोड़ सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर आइटम इसलिए क्योंकि कर्क राशि में बैठा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्योंकि बुध और मंगल का यहां पर संबंध सूर्य के साथ बन रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग को शो करता है, और वाटर साइन में होने के कारण कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर आपको अपने इंट्यूशन, आपके एक्सपीरियंस का यूज करना होता है, देशकाल परिस्थिति का यूज करना होता है। आगे लिखा गया है सन इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, द नेटिव विल माइग्रेट फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस ऑफ बर्थ। सूर्य गुरु के द्वारा दृष्टि में है, इसलिए ये जातक अपना बर्थ प्लेस छोड़ेगा। मैंने इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल सूत्र चार्ट नंबर 40 में बताया था कि जब भी किसी नेटिव का गुरु वक्री हो तो ऐसा पर्सन अपना बर्थ प्लेस छोड़कर ही सफलता प्राप्त करता है। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु कुंभ राशि में वक्री है और वक्री होकर सूर्य को दृष्टि देता है, गुरु के वक्री होने की वजह से ये नेटिव 100% अपना बर्थ प्लेस छोड़ेगा। और आप देखेंगे इस चार्ट में शनि भी वक्री है, जब शनि और गुरु दोनों ही वक्री हों तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा पर्सन अपना बर्थ प्लेस छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होकर ही सफलता प्राप्त करेगा और अपना काम करेगा। चार्ट 40 का अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगे। ही विल गेट एंगेज्ड इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन वेयर ही मे नॉट अर्न मच मोर और फील हैप्पी। ये किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इंगेज हो सकता है जहां पर वो बहुत अच्छा नहीं कमाएगा। सम टाइम लेटर ही विल गेट एम्प्लॉयड इन ए क्लोथ मिल। पहले एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करेगा, वहां पर इसको बहुत अच्छा अर्न नहीं मिलेगा, उसके बाद ये किसी क्लोथ मिल में वर्क करेगा और उसके बाद
लगभग 34 की एज में ये किसी वीडो से शादी करेगा। देखिएगा, प्रोफेशन चेंज का एक सिंपल सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी पर्सन की कुंडली में शनि वक्री हो, ऐसे पर्सन को लाइफ के फर्स्ट फेस में या फर्स्ट जॉब वगैरह में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती। आप देखेंगे यहां पर शनि वक्री है और वक्री होकर मंगल की अस्तक प्राप्त कर रहा है और शनि से 2 भाव खाली है, शनि से 12 भाव खाली है। 2 सूत्र मैंने आपके साथ शेयर किए थे प्रीवियसली कि शनि से 2 और 12 भाव खाली हो और शनि अगर पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ के फर्स्ट फेस में लगभग 30 साल की एज तक प्रोफेशनल प्रॉब्लम आती है। वो जिस भी प्रोफेशन में जाता है वहां पर वो बहुत अच्छा गेन नहीं करता, उसके बाद प्रोफेशन चेंज करता है और उसके बाद वहां पर जब उसका प्रॉपर एक अच्छा ट्रांजिट बनता है तब वहां पर वो एक अच्छा गेन करता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर, ये पहले पब्लिक सेक्टर में काम करता है, उसके बाद क्लोथ मिल में काम करता है, वहां पर उसको सक्सेस नहीं मिलती। अब बताया गया है कि 34 की एज में ये पर्सन एक वीडो लेडी से शादी करता है। वीडो लेडी से शादी करने का क्या योग है, इसी पर हम यहाँ थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिएगा, नारी ज्योतिष में पहले भी मैंने आपसे कहा है कि किसी भी मेल चार्ट में शुक्र उसकी पत्नी का कारक है। शुक्र पर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इस नेटिव की वाइफ कैसे होगी। अब आप देखिएगा, पहले तो शुक्र की स्थिति देखिएगा आप। शुक्र बैठा है मिथुन राशि में, एक डुअल साइन में बैठा है। शुक्र पर इफेक्ट है राहु का। एक मोटा मोटा सा एक सूत्र आप याद कर लीजिएगा कि राहु विडोहुड को शो करता है, विधवा लेडी को शो करता है। शुक्र के साथ राहु बैठा तो शो करता है कि नेटिव की वाइफ एक विधवा हो सकती है। अब आप कहेंगे यार, 1 लाख लड़कियों की कुंडली में शुक्र और राहु का योग होता है या 1 लाख लोगों की कुंडली में शुक्र और राहु का योग होता है तो वो सारे क्या विडो लेडी से शादी करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको शुक्र की स्ट्रेंथ को जज करना होगा। अगर शुक्र कमजोर है तभी ऐसा होगा। शुक्र अगर स्ट्रेंथ में है तो कभी भी विडो लेडी से शादी नहीं होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि शुक्र राहु का अगर संबंध किसी नेटिव के चार्ट में है तो उसका किसी विडो लेडी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मगर शादी के लिए आपको पूरे शुक्र की स्ट्रेंथ को जज करना होगा। आप देखिएगा, शुक्र यहां पर मिथुन राशि में बैठा है। शुक्र के ऊपर जो दृष्टि है वो चंद्र की है और शुक्र के लिए चंद्र की दृष्टि सबसे ज्यादा घातक होती है। शुक्र यहां राहु के साथ बैठा था, एक नेगेटिव पॉइंट है, पाप ग्रह के अंडर में बैठा है। उसके बाद चंद्र की दृष्टि, और चंद्र की दृष्टि भी अगर आप देखेंगे केतु का प्रभाव लेकर दे रही है और केतु भी शुक्र का शत्रु है, तो ऐसे में शुक्र यहां पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जो कि एक मेन रीजन है इस नेटिव की किसी वीडो लेडी से शादी होने का। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र जैसे ही अपने मूवमेंट में आगे बढ़ता है, उसे कर्क राशि मिलती है और कर्क राशि में शुक्र को बहुत ज्यादा कमजोर माना गया है। कर्क राशि में जब शुक्र आता है तो उसका संबंध यहां सूर्य से होता है और सूर्य भी उसका शत्रु ग्रह है, तो ऐसे में शुक्र की स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो जाती है। तो जब शुक्र की स्ट्रेंथ इस तरह से कम होती है तो यहां पर एक साइन जाता है कि इस नेटिव की लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक ब्लेमिश मैरिड लाइफ इसकी होगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे शुक्र यहां पर एक डुअल साइन में बैठा है जो कि वाइफ की डुअल मैरिज को शो कर रहा है। उसके बाद केवल शुक्र से इस चीज को हम जज नहीं कर सकते कि विडो लेडी से ही शादी होगी, मंगल की स्ट्रेंथ भी यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर किसी नेटिव का शुक्र और मंगल दोनों ही पीड़ित अवस्था में होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। आप देखेंगे मंगल बैठा है मीन राशि में, मीन राशि में मंगल का पौरुष तत्व, मंगल की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है, वाटरी साइन है क्योंकि। उसके बाद आप देखेंगे मंगल के त्रिकोण में बैठा है बुध। मंगल बुध का संबंध और शनि का संबंध जब एक साथ बनता है तो कहीं ना कहीं मंगल को बहुत ज्यादा नुकसान मिलता है। आप किसी भी चार्ट में देखिएगा, जिस भी चार्ट में मंगल बुध और शनि का संबंध बनेगा वहां पर मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम 100% होगी होगी। अब आप कहेंगे कि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव किस तरह से है, क्योंकि शनि यहाँ वक्री है, शनि वक्री होकर मंगल को अपनी सप्तम दृष्टि देता है तो योग बनता है मंगल बुध और शनि का। तो यहां पर मंगल और शुक्र दोनों ही पीड़ित अवस्था में होने के कारण सीधा सा एक इंडिकेशन जाता है कि इस नेटिव की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एक प्रॉपर वे में इसकी शादी नहीं होगी, जो कि एक मेन रीजन है इसका एक वीडियो लेडी से शादी होने का। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ आइडिया हुआ हो कि किस तरह से बर्थ चार्ट प्रेडिक्ट किया जाता है। तो जुड़िएगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।